यहाँ से विदा हुई है। आज कैलाश मानसरोवर में भगवती पार्वती का पदार्पण हुआ है। सभी देवताओं ने शिव और पार्वती को बैठा करके प्रार्थना किया है कि त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। मैंने पहले भी कहा शक्ति के बिना शिव भी मुर्दा है। शक्ति एक ऊर्जा है, करंट है, एक पावर है जिससे हम बोलते हैं, देखते हैं। प्रकाश क्या है? वही है शक्ति। कहो दुर्गा, कहो गायत्री, कहो सावित्री, कहो, नाम अनेक है पर शक्ति एक है। त्वमेव संध्या सावित्री त्वमेव जननी परा कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। सभी देवताओं ने शिव पार्वती से प्रार्थना किया और देवताओं ने शिव जी से कहा, प्रभो आप तो जगत के माता पिता हो, जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। माता में पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। ये भावना रहनी चाहिए और इस श्लोक बड़ा सुंदर है, आपको याद करना चाहिए। एक दो बार मैं बोलता हूं, मेरे साथ आप लोग बोलो, आपको याद हो जाएगा। पहले मैं बोलूं उसके बाद आप लोग। वैसे तो बहुत सरल है, बहुत शब्द भी बहुत सरल है पुराणों के ना, विशेषकर शिव पुराण के जितने भी श्लोक हैं बोलने में बड़े सरल है। मात्र श्लोक बोलो तो भी आधा तो समझ में आ जाता है। माता में पार्वती देवी, माता में पार्वती देवी। लोगों को बोलने दो। माता में पार्वती देवी, आधे लोग बोलते हैं, पीछे वाले चुपचाप, वहां से भी आवाज आए ना। बहुत अच्छा मंत्र है, भाव भी बड़ा सुंदर है। और ये भाव और संसार में रखे ना तो संसार का आधा विवाद अपने आप समाप्त हो जाए। माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्तश्च, बांधवा शिव भक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। माता मे पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा। माता मे बांधवा शिव भक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। ये सब देवता सब मिलके शिव और पार्वती से प्रार्थना की जब भगवान शिव विवाह करके आए ना उस समय। माता में पार्वती देवी, हम सबकी माता है पार्वती है। शक्ति उपासना वैष्णव देवी कहो, हिंगलाज कहो, विंध्याचल कहो, बुम्बा देवी कहो, महालक्ष्मी कहो, शारदा कहो, अंबा कहो, सब एक है। माता में पार्वती देवी और पिता देवो महेश्वरा। पिता हम सबके भगवान शिव है। बांधवा शिव भक्तश्च, ये सब हमारे भाई बहन हैं। जितना बड़ा शिव परिवार है ना, बांधवा शिव भक्तश्च स्वदेशो। ज्यादा में ज्यादा आज लोग ना विवाद है, बाप भाषावाद, प्रांतवाद, जातवाद का विवाद बहुत है। और जो बड़े बड़े खादी वाले हैं ऐसा घुसेड़ दिए हैं ना, हम लोग विवाद समाप्त करते हैं। कभी आपने देखे हैं कोई विवाद है
कि कौन किस जात का है, कौन किस प्रांत का है, कौन अमीर है, सब एक समान बैठे। और ऊपर से हम संतों को ही दोष लगाते हैं कि आप लोग विवाद उत्पन्न करते हो। कहीं भी हमारे कथाओं में कहीं भी विवाद नहीं, कोई भी, ये तो व्यवस्था है ना। कभी कभी लकड़ी का हम सबको बुला लें, ये लकड़ी का है, कहीं टूट जाए, वो तो हमारी बात नहीं माने, तो जड़ है। एक व्यवस्था सबको आनंद मिले, सबको देखने को मिले। अगर ये भाव आ, स्वदेशो भुवनत्रयम, पूरा ब्रह्मांड अपना है, जातवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, ऐसा जहर मिलाया ना कि हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अभी भी हम सबको सावधान रहना है, हमारे संस्कार और संस्कृति के ऊपर बाहर का प्रहार तो है ही, यहां का भी प्रहार है। माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्तस्य, स्वदेशो भुवनत्रयम्। और भगवान शिव का विचार देखो ना, स्वयं बैल की सवारी करते हैं, बैल के ऊपर, पर भगवती जगदम्बा सिंह की सवारी करती है। अभी सिंह और बैल में बराबर 36 का आंकड़ा है, पर भोलेनाथ के दरबार में बैठते हैं ना तो सब समान बन जाते हैं। अभी कथा आएगी भगवान के बेटे मयूर, कार्तिकेय का वाहन क्या है, मोर, और भगवान के गले में रहता है सांप। सांप और मोर का कभी पटा नहीं है, पर भोलेनाथ के दरबार में सब पट जाता है। अगर अपने घर में ना दो बातें हैं, बोले मेरे अनुकूल नहीं, ज्यादा में ज्यादा लोग शिकायत करते हैं कि बहू अनुकूल नहीं है, सास अनुकूल नहीं है, ननद अनुकूल नहीं है, भाभी अनुकूल नहीं है। ले, अरे वो अनुकूल नहीं तो तू अनुकूल बन जाना, तो विवाद खत्म है। हरे रामा रामा राम सीता राम रामा, हरे रामा रामा राम सीता राम राम रामा, हरे रामा रामा राम सीता राम रामा, हरे रामा रामा राम सीता राम राम रामा, हरे रामा रामा राम सीता राम रामा, हरे रामा रामा राम 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 राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। और ऐसे धीरे धीरे करने से गणेश जी आने वाले नहीं है, मैं बतला दूं। और आज तो अब डर नहीं, अब तो हो गया, भगवान का विवाह हो गया ना, अब तो 3 दिन बाकी है, अब तो मैं न डरने वाला हूँ न मानने वाला हूँ। अभी 5-6 दिन बहुत डर 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 के धीरे धीरे कहा कि चलो ठीक है, इतने हरे राम राम ऐसे ऐसे कोई गणेश जी आने वाले हैं, और गणेश जी हमको ज्यादा जरूरत है, बुद्धि चाहिए। अभी कोई आगे नहीं आए, सब लोग बैठते जाओ, वहां भी वहां कोई स्वयं सेवक रखो, सब बैठो, माताओं साथी नहीं खोजो कि मेरा पड़ोसी कहां बैठा, वहीं बैठू है स्वभाव, खोजेंगे पहले मेरा कोई परिचित है, उसके बाद कान में आके पूछेंगे साड़ी कितने की है, कहाँ मिलती है। ये आरती के बाद अपनी मीटिंग कर लेना ना, अपना इतना बड़ा माता जी ने पंडाल बनाया, आरती के बाद है। अभी जिसको जहां जगह मिले चुप बैठते जाओ, भजन का नाम आता है तो धीरे धीरे एकदम शांत, कोई बातचीत नहीं, यहां से वहां तक मेरी नजर रहती। खाने पीने में तो ओहो 3 बार नहीं 4 बार है, पर भजन में 2-3 घंटे का मौका मिला है, उसमें धीरे धीरे आए। अगर गणेश जी को बुलाना है तो और आज निश्चित है कि आज जब तक गणेश जी नहीं आएंगे और माता पिता की परिक्रमा नहीं करेंगे तब तक कथा बंद होगी नहीं, और जब तक आरती नहीं होगी तब तक किसी को जाना नहीं, और जो जाए तो उसको उसकी सास की कसम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम,
सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम हरे राम